आजकल हमारे पाकिस्तान के या बल्कि जब से भी हमने अब पहले न्यूज़पेपर का दौर था, अब सोशल मीडिया और डिजिटल दौर ज़्यादा है, तो हमें एक ही जो है ना खबर सुनने में आती है कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इकोनॉमी का ये हाल हो गया है, डॉलर इतना ऊपर चला गया है। और कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ को सुने तो इंसान जो है ना एक डिप्रेसिव एपिसोड करने चला जाता है कि अब तो शायद हमें बचना नहीं है, खाने के लाले पड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर हकीकत को हम देखें तो अल्लाह जो है वो कभी भी इतना जालिम ना था, ना है और ना होगा कि इंसानों को इन पहरावों के ऊपर लेके जाए या इंसानों को इतना ऐसा मजबूर करे। बल्कि कुरान का इसके ऊपर फैसला बड़ा अच्छा ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जुल्म नहीं करता बल्कि इंसान अपने ऊपर खुद जुल्म करता है। और उसके जुल्म की बहुत बड़ी शक्ल एक ये भी होती है कि अल्लाह ताला ने जो उसको वसाइल दिए, जो रिसोर्सेज गिवन थे उसके पास, उसको सही तरीके से इस्तेमाल में ना लाना, और इसी को हम नाशुक्री भी कहते हैं। तो इब्न फाज़िल साहब, इस मसले में आप ये बताएं कि जो हम रो रहे हैं आजकल ना, मिन हैसुल कौम, पूरी कौम रो रही है, हमारे जो बड़े हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी रो रहे हैं वो माहिर हैं, और हम भी, हमारा भी एक रोना है। तो उसमें जो वसाइल होना या ना होना, नाशुक्रापन ये और उसका वेस्टेज जो है, इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो रहनुमाई डालें। बिस्मिल्लाह। बहुत ही जो आपने की पॉइंट के ऊपर से बात शुरू की है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुदरत की फयाजी जो है वो हमारे ऊपर कम नहीं है, किसी भी दुनिया की अगर मुल्क की हम बात करें तो, बल्कि मैं देखता हूँ कि शायद हमें बहुत ज़्यादा नवाजा है। हमारी तो अभी सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड पड़ी है ना जी, हमारे जो हमें जो रिसोर्सेज कुदरत ने हमें दिए। अब मैं ये कहता हूँ कि जी अल्लाह ताला का जो निज़ाम है वो हमें उसने वसाइल दिए, उसके बाद हमें उसने अकल दे दी, और उसने हमें कहा कि जी इस अकल को इस्तेमाल करते हुए आप अपने वसाइल को इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगियों को आसान करें। अब ये नहीं हो सकता कि कुदरत जो है वो बोरी में डॉलर भर के तो हमारे लिए रवाना करे, ठीक है, लेकिन डॉलर भरने के बोरियों में सारे असबाब उसने हमें दे दिए। जिस तरह भी आपने कहा, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो मैं आपको बताऊं कि जो सरकार की फिगर है वो ये है कि हम 40% अपना अनाज और फल ज़ाया करते हैं, लेकिन हकीकत 40% जी, लेकिन हकीकत ये है कि हम इससे भी ज़्यादा ज़ाया करते हैं। अगर आप चले जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में तो आप देखिएगा कि वहाँ जब बस 1 किलोमीटर चलती है ना, तो वो कोई 2 मन खुबानी के ऊपर से गुजर के जाती है, नाशपातियाँ पड़ी होती है और वो सारे फल जो हैं, और वो इन उन लोगों के पास उनका कोई इस्तेमाल नहीं, यानी कि जो कुदरत ने हमें नवाज दिया, तो जाहिर है कि ये नाशुक्री की एक सूरत है। बात वही है कि हम किस एंगल से देखते हैं, मतलब शुक्र मेरी नज़र में तो डेफिनेशन ही ये है कि जो सलाहियतें हमें अल्लाह ने दी हैं उसका हम भरपूर इस्तेमाल करते हुए अल्लाह के दिए हुए वसाइल का बेहतरीन अपने लिए और इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, ये मेरी नज़र में शुक्र की डेफिनेशन है। और ये हम सबसे कम करते हैं, हमारी जो सब्जियां हैं, हमारे जो फल हैं, वो कचरे के ढेर पे जाते हैं, और उनसे जो बनी हुई वैल्यू एडेड चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी के लिए चाहिए होती हैं वो हम बाहर से मंगवाते हैं। सही है। अभी मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान भर में आपको पता है कि बहुत बड़ा एक वो फास्ट फूड का सिस्टम डेवलप हो गया, तो उसमें आप हेलोपिनोज यूज़ करते हैं। हेलोपिनो जो है उसका जो 2 किलोग्राम का डब्बा है वो 800 रुपये का मिलता है जी आपको। सही। और वो बाहर से आता है, और जब सीज़न आता है तो आपकी जो अपनी मिर्चें हम उगाते हैं ना जी, वो 25 रुपये किलो हम बेचते हैं। सही है। यानी अगर हम हेलोपिनो यहाँ पे उगा लें तो अगर उसको हमें 25 रुपये किलो दे के हमें खुश हैं, हमारा फार्मर, उसको अर्निंग होती है, तो इसका मतलब ये है कि 25 रुपये किलो, 2 किलो 50 रुपये किलो, और हम उसकी वैल्यू एडिशन खुद करें, अगर हमें लर्निंग आती हो तो जो करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला हम एक सिर्फ इस मद में हम बाहर भेजते हैं कि हमें आता नहीं है काम, हम सीखते नहीं। तो इस तरह की जो बहुत सारी मिसालें हैं, मैं सिर्फ टमाटर की जैसे बात की कि अब जब सीज़न आता है आपके टमाटर इतना ज़्यादा होते हैं कि आपको फेंकने पड़ते हैं, और टमाटर की जो प्यूरी है और जो उसकी वो पाउडर है वो हम करोड़ों रुपये का बाहर से मंगा रहे होते हैं। और इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो फ़र्क है वो सिर्फ महारत का और इलम का है। हम इलम सीखने की तरफ नहीं जाते और हम महारत हासिल करने की तरफ नहीं जाते, और इस वजह से हम अपने रिसोर्सेज को ज़ाया करते हैं और मजबूरन हमें लोगों से चीज़ें लेनी पड़ती हैं।